से विपिन दीक्षित जी कन्हैया दीक्षित जी की ओर से आप लोगों को एक साल भेंट की जाएगी। आप लोग अपने स्थान पर बैठे रहे और वो अपना उपहार यहीं बैठकर प्राप्त कर ले। उसके उपरांत आगे का कार्यक्रम अपने हृदय से भाव से आशीर्वाद दे उत्तर प्रगति करें और अधिक से बहुत बड़ा नाम करें और आगे चल करके बहुत ऊंचाइयों को छुए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारे के द्वारा आप सबको साल भेंट की जा रही है। ये हमारे श्री विपिन दीक्षित जी और श्री कन्हैया दीक्षित जी की ओर से भेंट की जा रही है करते हुए आप सब लोग उनको आशीर्वाद दें। एक माता जी है जो माइक से कुछ गाना चाहती हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं। मंच जनपद कन्नौज की सदर सीट से विधायक और प्रदेश सरकार में समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण का जन्मदिवस भाजपा कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न समाज सेवियों ने धूमधाम से मनाया। जहां एक और सदर विधायक ने अपने जन्मदिवस पर जिला पार्टी कार्यालय में केक काटकर लोगों का मुंह मीठा कराया, तो वहीं अपने जन्मदिवस की खुशियां वृद्ध आश्रम पहुंचकर वृद्ध जनों के बीच मिष्ठान और वस्त्र वितरित कर मनाई। साथ ही सदर विधायक की लोकप्रियता और उनके कार्यों को देखते हुए अनुसूचित मोर्चा नगर अध्यक्ष सुनील कुमार कनौजिया, उपाध्यक्ष चंद्रभान सिंह, महामंत्री महेंद्र गिहार, मंत्री प्रशांत दिवाकर, मंत्री मजेंद्र कुमार द्वारा संयुक्त जिला अस्पताल में मरीज और तीमारदारों को फल वितरित कर विधायक के जन्मदिन की खुशियां मनाई। आज आप लोगों के द्वारा संयुक्त जिला अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों को फल वितरण किया गया। किस कारण आप लोगों ने फल वितरण किए, किस उद्देश्य को लेकर किया ये कार्य? आज हमारे राज्य मंत्री असीम अरुण भैया, उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री समाज कल्याण असीम अरुण भैया जी का जन्मदिन था। उसके उपलक्ष्य में आज मरीजों को फल वितरित किए गए और उनका जो है शादी की सालगिरह भी आज थी, तो उसी विषय में अनुसूचित मोर्चा के सभी पदाधिकारियों ने इकट्ठी होकर आज फल वितरित किए। कार्यक्रम को लेकर के क्या आप संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे मंत्री जी का कार्य बहुत ही अच्छा है। कन्नौज में कार्यकुशलता उनकी बहुत अच्छी है, जिसमें उन्होंने सबसे अच्छा कार्य ये किया कि पढ़ाई की तरफ बहुत अच्छा ध्यान दिया है बच्चों की, और आश्रम पद्धति स्कूल लखनऊ में एवं कानपुर में कई विद्यालयों में कम से कम 40 से 50 बच्चों का एडमिशन कराया, मुफ्त वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था और पढ़ाई की व्यवस्था। और आपको बताना चाहेंगे, कन्नौज में RTE के तहत तकरीबन 95 बच्चों के एडमिशन कराए जो कि CBSE बोर्ड के स्कूल हैं, और उनमें सब जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए कहा, जिससे जो है गरीब बच्चे भी पढ़ पाएंगे। अब हम यही ईश्वर से कामना करते हैं कि वो इसी प्रकार कार्य करते रहें और आगे बढ़ते रहें, और उनके दीर्घायु की हम लोग प्रार्थना करते हैं। अनुसूचित मोर्चा नगर टीम उनके साथ सदैव है और वो आगे बढ़ते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।